इसे यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल सा दो कलर का पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। इस पैटर्न से आप मफलर, कार्डिगन और बेबी सूट बना सकते हैं। बहुत प्यारा ये पैटर्न लगता है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमेशा कितना वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर गाइस। बिल्कुल फ्री होता है ये सब। तो मैंने यहाँ पर 20 फंदे डाले हैं आप लोगों को ये पैटर्न दिखाने के लिए। और 4 सिलाइयाँ मैंने बिल्कुल इसमें उल्टी सीधी बना ली हैं और कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 सिलाइयाँ हमें कंप्लीट करनी है। मैं बहुत धीरे धीरे आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए बता रही हूँ। और ये जो मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ ये काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं बट इनमें कुछ डिफरेंट तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बिल्कुल डीपली बता दूँगी सब कुछ क्योंकि डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। चार सिलाइयाँ हमने उल्टी सीधी बना ली है, सिंपल जैसे कि सादा पल्ला बनाते हैं उस तरीके से। और 4 सिलाइयों में ही हमारा पैटर्न बनता है। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा कलर ज्वाइन कर लिया है। पहले फंदे को आप उतारना चाहे उतार लें या बनाना चाहें तो बना लें। एक फंदा मैं बना लूँगी। उसके बाद देखिए तो फंदे मैंने बना लिए हैं 1 2 3 4। यहाँ क्योंकि जहाँ से आपकी चौथी सिलाई चली है वहाँ से आपको अलबेट डालकर एक फंदा निकालना है। अलबेट डाल लें या फिर आप ढीले हाथों से इसे बना लें। फिर 2 फंदे हमें सिंपल बनाने हैं और फिर वही प्रोसेस करना है 1 2 3 4। यानी कि जहाँ से आपकी सिंपल सिलाई 4 सिलाई चालू हुई है आपके धागे वो अलग से ही दिखने लग जाते हैं। अलबेट वाला फंदा निकाल लेंगे यहाँ से। अलबेट जरूर डाल दें और अगर आप ढीले हाथों से बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अलबेट डालने से ये होता है कि आपके और फंदे ढीले नहीं होते हैं, सिर्फ इसी फंदे पे जो आपका होता है कसार ढीलापन और जो कुछ भी होता है वो इसी फंदे पे होता है। और अगर जब आप ढीले फंदे बनाएंगे तो बाकी और फंदे भी लूजनेस ले लेते हैं। और अलबेट डालने का ये हो जाता है कि आपका जो कुछ भी ढीला होगा यही फंदा ढीला होगा, बाकी तो सारे टाइट रहेंगे। ये 4 फंदे 4 सिलाई नीचे से हमने ली हैं, 4 वो नीचे से 2 फंदे सिंपल। अलबेट जरूर डालें। इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हमने कंप्लीट कर लिया और हम उल्टी रो में आ जाते हैं। रॉन्ग रो में पहला फंदा वैसे ही आपको उतारना उतार लीजिए या बनाना है बना लीजिए। और फिर जितने हमने फंदे बनाए थे वो हमें सिंपल ऐसे ही बना लेने हैं। और जो ये अलबेट वाला फंदा है इसे यहाँ पर खोल देना है, इसे बनाना नहीं है। अलबेट वाला फंदा ऐसे ही आपको खोल कर अपनी दूसरी सिलाई पर चढ़ा लेना है। इस तरीके से देखिए पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। बेट वाला फंदा हमें खोल देना है और बाकी सारे फंदे बना लेने हैं।
इस थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुझे 3-4 दिनों से फीवर आ रहा है, सो प्लीज़ अवॉइड दिस। ये रोगी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट 2 में हम क्या करेंगे? देखिए इस तरीके से आपका डिजाइन लगने लगा है और ये फंदे भी बना लिया है। अब ये जो हमने फंदा अलगेट वाला है, ये आगे वाले फंदे पे, और इसी को हम दोबारा चढ़ा लेंगे दूसरी सिलाई पे, और पीछे वाले फंदे पे। एक ही फंदा जो है हमें 2 फंदों पे बनाना है। आगे वाला हिस्सा आगे वाले फंदे पे, ये देखिए इस तरीके से आगे वाला फंदे के साथ में, और इसे फिर से चढ़ा के पीछे वाले फंदे के साथ में। बहुत ही सिंपल है गाइस। एक फंदे को आप सिंपली शब्दों में अगर मैं बताऊं, देखिए तो 2 फंदे पे चढ़ा लेना है। और अब फिर से हम आ गए हैं रॉन्ग रो पे, फोर्थ है। ये हमारी वो जो चल रही है, ये डिजाइन की फोर्थ रो चल रही है, और इसे हम सिंपली बना लेंगे उल्टी। रॉन्ग रो जो है ये सिंपल बनानी है। देखिए आपका इस तरीके से पैटर्न आ गया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, हमने पहली बार यहाँ पे हमने 2 फंदे बनाए थे, 3 फंदे बनाए थे सिंपल। अब कि हम यहाँ पे 2 ही फंदे सिंपल बनाएंगे, और फिर से जहाँ से हमारा पीला कलर स्टार्ट हुआ, मैं सीधा सीधा बता दूँ, जहाँ से हमारा पीला कलर स्टार्ट हुआ है वहीं से आपको ग्रीन कलर लगा लेना है। लगा लेना है हम इसी तरीके से। ये पैटर्न, ये रो जो है हमारी कंप्लीट कर लेनी है। देखिए जहाँ से पीला कलर आपका स्टार्ट हुआ है, वैसे तो अगर बताया जाए तो 4। और गाइस सभी वीडियोस में जो है 2 रो के पहले बताया जाता है, बट मैंने 2 बार ट्राई करके देखा था, मेरा नहीं बना था। फिर मैंने ये ट्राई किया, 4 रो के नीचे से लिया, तब मेरा ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बना। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। फिर से हम आ गए हैं सीधी रो में, और फिर से हमें यही करना है। हमने जो फंदे बनाए थे वो हमें बना लेने हैं, और जो हमारा अलवेट वाला फंदा है उसे सिंपल खोल कर अपनी दूसरी सिलाई पर चढ़ा लेना है। देखिए इस तरीके से आपको खोल देना है इस तरीके से। बहुत प्यारा पैटर्न लगता है गाइस। ये रो हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है, और फिर से वही हमें करना है प्रोसेस। रीजन कर लीजिए, ये जो हमारा फंदा है उसे हमें, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इस फंदे को लेकर इसे बनाना है। इस तरीके से इस फंदे को 2 फंदों के आगे और पीछे दोनों ही फंदों पे हमें बनाना है इस फंदे को। ये देखिए आपकी डिजाइन कितनी खिलकर आ रही है। इस तरीके से बहुत प्यारी लग रही है पैटर्न। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, और फिर से रॉन्ग रो जो आ रही है, फोर्थ वाली रॉन्ग रो आपको सिंपल बना लेनी है, उसमें कुछ भी नहीं करना है गाइस। एक बार फिर से
प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बिल्कुल फ्री है खाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ, पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय।